हाँ, स्वतंत्र प्रभार पार्टी बनाई। आज तक ले सरकार हम लोगों के लिए किया ही किया है, ब्राह्मण जाति के लिए। ब्राह्मण के लड़का भीख मांग रहा है तो उसको आरक्षण नहीं है। और अब रही बात, एगो नया नया नेता उभरे हैं, उन्हीं को वोट देने का हम लोग विचार कर रहे हैं। कौन नेता उभरे हैं नया नया बिहार में? पत्रकार जो है से, उन्हीं को वोट देंगे। कौन? आप लोग तो जानिए मनीष कश्यप को। उन्हीं को वोट देंगे, माने उनको वोट दीजिएगा। लालू यादव 20 वर्ष तक ले राजनीति करते रहे, बस अपन घर भर गए, उनका बेटा अरबपति हो गया, बेटी अरबपति हो गया, खरबपति हो गया। आज ये गरीब रोड पर पल रहा है, वो रोड पर के रोडे पर रह गया, उसको कहाँ कुछ होगा? ईडी नहीं जानता आज तक सरकार से, कुछ नहीं जानते। कोई योजना आप लोग? कोई योजना का लाभ नहीं मिला आज तक सरकार से हम लोग को। तो कोई भी सरकार आए, कोई कुछ नहीं मिला हम लोग। सरकार तो वादा बहुत कर, हम 15 को तो बच्चा पैदा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास में वोट कम है। तो बीच आज हम मुजफ्फरपुर के महावीर पीठ मंदिर में पहुँच गए हैं। ये पंडित जी सब क्या बोलते हैं इनसे जानेंगे। जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हुआ है, नीतीश जी बीजेपी में सटे हैं, क्या लगता है आपको? हम लोग बीजेपी को फायदा हुआ है? नहीं, फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है बीजेपी को। हम लोग आज तक बीजेपी का कैडर वोटर रहे हैं, लेकिन नीतीश को लाने के बाद में यदि समझौता करके नीतीश हम लोग के पार्टी से खड़ा होता है तो हम लोग वोट उसको नहीं देने जा रहे हैं। नोटा दबाएंगे लेकिन नीतीश को वोट नहीं देंगे। अब रही बात, एगो नया नया नेता उभरे हैं, उन्हीं को वोट देने का हम लोग विचार कर रहे हैं। कौन नेता उभरे हैं नया नया बिहार में? पत्रकार जो है से, उन्हीं को वोट देंगे। कौन? आप लोग तो जानिए मनीष कश्यप को। उन्हीं को वोट देंगे, माने उनको वोट दीजिएगा। स्वतंत्र प्रभार पार्टी बनाई। आज तक ले सरकार हम लोगों के लिए किया ही किया है, ब्राह्मण जाति के लिए। ब्राह्मण के लड़का भीख मांग रहा है तो उसको आरक्षण नहीं है। और लाल पासवान जी के लड़का चिराग पासवान है तो उनके लिए आरक्षण है। मतलब सरकार के तरफ से आप लोगों को कुछ सहयोग उजोग मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं, ब्राह्मण को आज तक ले कोई सहयोग नहीं दिया है। ब्राह्मण को जाति में बांट दिया है कि ये लोग बहुत अमीर जाति का है। मैंने अमीर जाति आपको बांट दिया? हाँ, तो आप ऊंचा जाति न है, सिर्फ अमीर जाति नहीं ना, ना तो वे ना ऊंचा स्थान ब्राह्मण का है, जाति ऊंचा नहीं है। गरीब जाति को, जाति को तो ये लोग इतना नीच बना दिया है कि मतलब कुछ भी करने के लायक नहीं रह गया है। ब्राह्मण का लड़का सिर्फ पूजा करेगा, भीख मांगेगा बस, इसे इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। बिहार में तो जातीय जनगणना ना हुआ। हाँ, जातीय जनगणना हुआ, ये नहीं हुआ कि गरीब कितना है, गरीब बिहार में कितना है, इस पे जनगणना नहीं हुआ। लेकिन जातीय जनगणना हुआ तो यहाँ जाते में ना खाली बांटा है सरकार, जो है वो जात में बांटा है। ये अमीर गरीब का आरक्षण नहीं दिया गया है। गरीब गरीबे सब दिन रहेगा, और अमीर जो है, अमीर चाहे वो किसी भी जाति का है, अमीर बनता जाएगा। यही राजनीति का अति है, जिसका ज़्यादा वोट है उसको लोग उठा रहा है, ऊंचा उठा रहा है। तो मतलब लगता है कि नीतीश जी का मुसलमान के बच्चा 15-15 को पैदा करता है तो मुसलमान को आरक्षण होगा। हाँ। लेकिन ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो सोचता है कि हम गरीब आदमी है, 2 बच्चा से ज़्यादा बच्चा पैदा कहाँ से करेंगे, उसको खिलाएंगे कहाँ से, तो उसके लिए आरक्षण नहीं है, क्योंकि वोट नहीं है हमारे पास, वोट कम है। आपके पास वोट कम है? हाँ, हम 15 को तो बच्चा पैदा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास में वोट कम है। तो हमको कोई सरकार देखने के लिए तैयारी नहीं है। ये जाति आरक्षण जो बिहार में जातीय जनगणना करवा, नीतीश जी ने करवाए हैं? हाँ, नीतीश जी करवाए हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि नीतीश को कभी भी वोट नहीं देंगे हम लोग। माने जातीय जनगणना से आप लोग खफा हैं? खफा हैं हम लोग। आप लोग सोचते हैं कि आर्थिक जनगणना होना चाहिए, जो गरीब कौन है? गरीबों का जनगणना होना चाहिए, जात का जनगणना नहीं होना चाहिए। हर एक जाति में गरीब है? हाँ, गरीब हर एक जाति में है, उसका मतलब जनगणना होना चाहिए। तो सरकार से आप लोग का कुछ मांग होना चाहिए कि सरकार से हमारा यही मांग है कि यदि जनता सब है तो सबको बराबर का अधिकार दिया जाए। सही बात है, चाहे गरीब हो तो उसको उत्थान किया जाए। हाँ। अमीर है तो यथावत अपन कमाए खाए, कमाने खाने लायक वो है तो ठीक है, और कमाने खाने लायक नहीं है, यदि ब्राह्मण ही है, भीख मांग रहा है, तो उसका उत्थान करना सरकार का काम है। सरकार गार्जियन होता है, सरकार पूरा सुबह का गार्जियन होता है। ये नहीं है कि यदि अरबपति है, खरबपति है, और यदि वो पासवान का लड़का है तो उसको आरक्षण मिल जाएगा। आज भीख मांग रहा है ब्राह्मण तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। आज तक ले गरीबों को कौन देखता है? कोई नहीं देखा है। कोई सरकार आया है, कोई नहीं देखा है। चलिए, और लालू यादव 20 वर्ष तक ले राजनीति करते रहे, बस अपन घर भर गए, उनका बेटा अरबपति हो गया, बेटी अरबपति हो गया, खरबपति हो गया। आज ये गरीब रोड पर पल रहा है, वो रोड पर के रोडे पर रह गया, उसको कहाँ कुछ होगा? ईडी का जब बुलावा आता तो लालू यादव कहते हैं कि हम चोरी नहीं किए हैं। हाँ, तो चोरी नहीं किए हैं तो पब्लिक नहीं जान रहा है कि चोरी किए हैं कि नहीं किए हैं, तो कहाँ से आ गया अरबपति या खरबपति?
करोड़ों सौ सौ करोड़ रुपया के बिल्डिंग कहाँ से लिखा रहे हैं? ये सब गरीब का दिया हुआ पैसा था, चारा घोटाला तक ले तक खा गया। रेलवे ईडी अभी छापा मार रहा है, रेलवे में नौकरी के जगह जमीन लेते थे। हाँ, नौकरी के जगह जमीन लेकर क्या वही पैसा जो है वो अपना बेटा बेटी को दिया, विकास कहाँ किया? अपन विकास किया, अपन विकास किया, बेटा बेटी का भी विकास किया, कौनो जादव का दे दिया थोड़े। लेकिन जादव जी सब तो उन्हीं के लिए मरता है कि नहीं? अभी 300 हजार करोड़ रुपया अथी पकड़ाया है। बिहार में तो हम लोग जातिवाद पे वोट देते हैं ना, सब गरीबों का ना पैसा है। तो चाचा, बिहार में हम लोग जातिवाद पे ना वोट देते हैं पंडित जी? हाँ, तो जातिवाद पर वोट देते हैं, इसीलिए तो बिहार का यह गति है। लालू यादव जैसे आदमी जो है वो खरबपति कुछ दिन के बाद में सब पर शासन लाठी लेकर के शासन करने लगेंगे, सब पर राजा हो जाएंगे या वो शासन करने लगेंगे, चाहे वो डोम हो, चाहे ग्वार हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब पर वो राज करेगा, उसका खाली अपना बेटा बेटी बस। सरकार से बनने दीजिए। हाँ, सरकार यदि बन जाता है, सरकार तो खैर उसका अभी नहीं बन रहा है, इतना अभी नहीं आया है, लेकिन सरकार नहीं बन रहा है, लेकिन सरकार यदि बन जाए भूल चुके तो वह ऐसा आ जाएगा कि फिर वो सही है जो आज से 20 वर्ष पहले था, कमाते रह जाएंगे, कमा करके लिया ये बाल बच्चा के पालन पीजिए, आपका बेटिए को उठा के लेके चल जाएगा, पैसा वसूल लेगा। मतलब ऐसा 20 साल पहले ऐसा ही होता था पहले, किडनैप कर लेता था, कमा रहा है घर में कुछ पैसों रख लेता, घर बेच करके जा करके उसी के जो अपना चमचा है उसको दे दीजिए, आपका बाल बच्चा के उठा के लेके चला जाएगा, यही होता। पंडित जी से हम जानेंगे क्या लगता है बिहार में, तो बिहार के सरकार के उल्टा पलटी होने से बिहार में हत्याएं, अपहरण, चोरी ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। यही तो विकास हुआ है बिहार का, और तो दूसरा कोई तो दिखाई देना ही रहा है। तो बिहार में तो फिर अब बीजेपी या जदयू एक ना हो गया है, चाहे कोई भी हो, लेकिन अखबार में तो यही मिलने को मिला है कि अपहरण ज्यादा हो रहा है, अब हत्याएं ज्यादा हो रही है। बिहार में केवल अखबार में विकास होता है मोदी जी के तरफ से, जमीन पर कहां कोई विकास का काम होता है। सरकार से आप लोग का क्या मांग होना चाहिए, आप लोग अपने लिए क्या मांग कर सकते हैं? आप लोग पंडित जी हुए, आप लोग का क्या मांग? गरीबी का आरक्षण मिले, सबका समानता का अधिकार मिले, और क्या। नहीं तो आप लोग जब जातीय जनगणना हुआ उसमें विरोध क्यों? जातीय जनगणना केवल पेपर में हुआ है। हाँ। जमीन पर नहीं हुआ, या गलत जाति जनगणना निकला है। उसी समय आप लोग को विरोध करना चाहिए, नहीं की आर्थिक आधार पर जनगणना चाहिए, हर एक गरीब में, हर एक जात में गरीब है, उस पर आधारित जनगणना होना चाहिए। जो विरोध करेगा वो जेल में जाकर लाठी का मार नहीं खाएगा। चलिए और पंडित जी से जाने, अन्य जाति के लड़का को वो इंटर पास होता, उसको नौकरी होता सरकारी। हाँ। और ब्राह्मण के लड़का को उसका क्वालिफिकेशन रहते हुए भी नौकरी नहीं मिलता है। हाँ। और जो नीचे है उनको मिल जाता है नौकरी आरक्षण के आधार पर, काबिलियत पर नौकरी नहीं मिलता है, काबिलियत पर नौकरी नहीं मिलता है। तो सब ही जगह तो वही हाल है। तो बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ तो आप लोग को विरोध करना चाहिए ना, कि गरीब तो हर एक जात में है, उस पर आधारित होना चाहिए। हम लोग आज तक सरकार से हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, आज तक कुछ नहीं, आप कुछ नहीं जानते आज तक सरकार से, कुछ नहीं जानते हैं। कोई योजना आप लोग, कोई योजना का लाभ नहीं मिला आज तक सरकार से हम लोग को, कोई भी सरकार आए कोई कुछ नहीं मिला हम लोग। सरकार तो वादा बहुत करती है कि पंडित जी सबके लिए, पंडित जी लोग आज तक हम लोग कुछ जानबे नहीं करते हैं। हाँ। कुछ नहीं जानते सरकार को, एक किलो चावल तक नहीं जानते सरकार को, मतलब वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं जानते सरकार को, कुछ नहीं जानता सरकार को, खाली वोट लेने देने जानते हैं बस। तो आप लोग जब वोट देते हैं तो आवाज पूछ सकते हैं ना सरकार से, आपका तो राइट है कि आप पूछ सकते हैं कि हम आपको वोट दिए हैं। यहाँ जो जो नेता जाता है वो लंका जाता है, वो रावण बन जाता है, जो यहाँ नेता बनता है वो रावण बन जाता है। हाँ। मतलब जो अपना पदवी में चला गया रावण बन गया, रावण बन गया, वो अपना पहले पेट भरता, बाकी बाद में जाए बाहर में। लेकिन कहती है कि बिहार में तो विकास है, विकास कुछ कोई विकास नहीं हुआ है, क्या विकास हुआ बिहार का? जो गरीब है गरीब तब तक गरीबे रह गया, और जो पैसा वाला बनते चला गया। तो सरकार तो सभी पार्टी का बिहार में बना है, कोई कहे कोई सरकार ब्राह्मणों के लिए कोई नहीं किया कुछ। समझिए कि ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया गया है, इन लोग का मानना है कि ब्राह्मण के लिए कुछ होना चाहिए, जिस तरह दूसरे धर्म को मिलता है कि सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिलता है, इन लोग को लाभ के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, आरक्षण भी नहीं लोग को मिलता। समझिए कि लोग क्या था, तुम लोग बड़े जाति में हो, तुम लोग को आरक्षण भी नहीं होगा। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत। हम लोग का